तो चलिए बात कर लेते हैं ताउते की। ताउते से जितनी तबाही जमीन पर हुई उतना ही कोहराम समंदर में मचा। तूफान की वजह से तेल के गुओं के लिए बनाए जाने वाले 3 बार्ज पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 1 बार्ज को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसके साथ ही 1 ऑयल रिग भी लहरों में बह गया। तूफान के इस कहर से बार्ज और रिग में काम करने वाले 707 लोगों की जान पर बनाई। लहरों में फंसे 700 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी है। ताउते के तांडव की ऐसी सैकड़ों तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं नेवी देवदूत बनी तो कहीं किस्मत ने मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। केरल से कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से गुजरात तक, हर जगह तूफान तबाही के निशान छोड़ गया। तस्वीरें आप देख सकते हो, यहाँ पर भारी पवन के चलते तहस नहस की स्थिति देखने को मिल रही है। हर जगह पर लॉरी है वो उलट पुलट हो चुकी है, और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अपील की गई है कि कोई भी लोग जो है यहाँ पर डुमस दरिया किनारा पर न आए। तहस नहस की स्थिति डुमस की यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो पंडाले लगाए गए थे वो पंडाल यहाँ पर टूट चुका है, बिखर चुका है। ताउते तूफान कुछ लोगों की जमा पूंजी, रोजी रोटी, सब कुछ लेकर चला गया। अब उनके पास आंसुओं के सिवा कुछ बचा नहीं। यहाँ पर सारे मछुआरे हैं, उनकी जो बोट है, उनकी जो नौका है, उनकी अवस्था फिलहाल हम देख रहे हैं। चक्रवात की वजह से मछुआरों का काफी हद तक नुकसान हो रखा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके सारी बोट्स की अवस्था हो गई है। इतनी बोटें गई है आपकी? हमारे घर की दो, एक छोटा भाई चला था और एक मैं चला गया। अच्छा। दोनों फुल डैमेज, एक फुल डैमेज, कुछ नहीं, इतना ही बचा है, बाकी सब टूट गया। 2 लाख पर जाएगा पूरा, नया बनाते बनाते। तो मछुआरों की मांग है कि जल्द से जल्द इसका जो नुकसान है वो प्रशासन की ओर से हमें दिया जाए। गुजरात और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों को तो ताउते ने ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में काफी वक्त लगेगा। ताउते का सबसे बड़ा कहर टूटा समंदर के ऑयल फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों पर। अरब सागर के बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड से लेकर गुजरात तक में कई बार्ज और रिग पर तूफान ने कहर बरपाया। तूफान का कहर 1 ऑयल रिग और 3 बार्ज पर टूटा। बॉम्बे हाई के ऑयल रिग सागर भूषण को लहरें बहा ले गईं, जबकि ONGC का बार्ज P-305 समंदर में ही समा गया। इसके अलावा गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज भी लहरों में बह गया, और एकोमोडेशन बार्ज SS-3 भी समंदर की लहरों के आगे टिक नहीं सका। इस तरह सागर भूषण रिग और अलग अलग बार्ज में कुल 707 लोगों की जान पर बनाई। जिस वक्त ताउते के जोर से समंदर उफन रहा था, उस वक्त इन सभी बार्ज और रिग पर सैकड़ों लोग मौजूद। लहरों का हमला होते ही यहां कोहराम मच गया। ये तस्वीरें बार्ज P-305 की हैं। समंदर की ताकतवर लहरों के सामने जब बार्ज नहीं टिक सका तो इसमें सवार 273 जिंदगियां डूबने लगी, जिन्हें बचाने के लिए नेवी ने मोर्चा संभाला। सवाल 273 जिंदगियों का था, इसलिए नेवी ने पूरी ताकत झोंक दी। P-305 ONGC का एकोमोडेशन बार्ज था। बार्ज में ऑयल रिग में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी रहते थे। तूफान से पहले बार्ज का एक हिस्सा टूटा और फिर उसमें पानी भरने लगा। खतरा देखते हुए SOS कॉल की गई, जिसके बाद नेवी ने मोर्चा संभाला। नेवी ने INS कोची और INS कोलकाता को सबसे पहले मौके पर भेजा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में MV ऑफशोर एनर्जी और MV अहिल्या जहाजों की भी मदद ली गई। नेवी के देवदूतों ने बार्ज में मौजूद 273 लोगों में से 180 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया है। बाकी लोगों के पास लाइफ जैकेट मौजूद है, इसलिए उनके डूबने का खतरा कम है। ऊपर कम से कम 60-70 मीटर की ऊंचाई से नीचे कूदे तो तब मतलब चोटें आई है हमारे को। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरे को बहुत महसूस हो रहा था। ज्यादातर तो मेरे परिवार की मेरे को याद आ रही थी, मौत की याद नहीं आ रही थी। P-305 के अलावा गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज पर भी तूफान ने तांडव किया। ये तस्वीरें गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज की हैं। यहाँ रेस्क्यू का मोर्चा कोस्ट गार्ड्स ने संभाला।
गेल कंस्ट्रक्टर में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेवी के हेलीकॉप्टर की भी मदद लेनी पड़ी। गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज में 137 लोग फंसे थे, जिन्हें निकालने के लिए चेतक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू के काम में काफी दिक्कतें आईं। इसके बावजूद इस बार्ज में फंसे सभी 137 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। The rescue operations being mounted by Coast Guard and Navy, and that is going on. That is the input that we have as of now, and we are also closely watching that. ताऊते के आने की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए सवाल उठता है कि बार्ज और रिग में लोग क्यों मौजूद थे, उन्हें वक्त रहते क्यों नहीं निकाला गया। जानकारों का कहना है कि बार्ज से ही तेल के कुओं का कामकाज होता है, इसलिए उसे पूरी तरह से खाली नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर तेल के कुओं में कामकाज ठप हो सकता है। मौसम में सी ऐसे भी रफ होता है और तूफान आने की वजह से और रफ हो गया, उससे पहले से ही रफ चल रहा था, तो उसमें एंकरिंग निकालना भी पाइपलाइन सबको डैमेज करने का खतरा रहता है, और इतना इमीडिएट इस पर करना जरा सा दिक्कत का विषय होता है। लेकिन आदमियों लोग को हटा के प्लेटफॉर्म से, चॉपर से या किसी से हटाया जा सकता था। ताऊते तूफान ने जमीन पर जितना कहर बरपाया उससे ज्यादा समंदर में तांडव किया, लेकिन नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ के जवानों ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। नेवी ने समंदर में कैसे लोगों की जान बचाई, इसका सबूत है ये वीडियो। ये INS कोलकाता का वीडियो है, जिसको समंदर में फंसे दो लोगों की जान बचाते हुए देखा जा सकता है। ताऊते तो गुजर चुका है, लेकिन तबाही की निशानियां हर ओर बिखरी हुई है। इस तबाही ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि तबाही की ऐसी ऐसी निशानियां मिल रही हैं, जो ये इशारा करती हैं कि समंदर बार बार ये कह रहा है कि इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ बंद करे। तो कई लोगों को बचा लिया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई जिंदगियां अधर में लटकी हैं, और किस तरह से ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है, लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश चल रही है। ज्यादा जानकारी टच स्क्रीन के माध्यम से प्रतिमा आप तक पहुंचा रही है। ओवर टू यू प्रतिमा। शुक्रिया मलिका। अपने दर्शकों को बेहद आसान भाषा में अपनी इस टच स्क्रीन के जरिए हम समझा देते हैं कि किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन समुद्र के भीतर चल रहा है। देखिए, ये मैप है, मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं ताऊते तूफान आया और उसके बाद किस तरीके की मुसीबत लेकर आया। देखिए, बार्ज को लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आई, कुल 3 बार्ज ऐसे हैं जो कि ऑयल रिग हैं। ये यहाँ पर काम चल रहा था तेल निकालने को लेकर, इस पर 707 लोग काम कर रहे थे, उनमें से 418 लोगों को बचा लिया गया। ये एक अच्छी जानकारी है, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जिन्हें बचाना है, जिनको बचाने के लिए चल रहा है ऑपरेशन जिंदगी समंदर के भीतर। अब देखिए, P305 ये एक ऐसा बार्ज है जिसपे 273 लोग सवार थे, ये डूब गया। ये दुखद खबर आई, लेकिन इनमें से 180 लोगों को खराब मौसम के बावजूद, रात के अंधेरे के बावजूद बचा लिया गया है। बाकी को बचाने के लिए लगातार हमारी नेवी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एक और अहम जानकारी, गर्ल कंस्ट्रक्टर, ये एक और बार्ज है, इस पे 137 लोग सवार थे, इन सभी को बचा लिया गया है। बहुत अच्छी खबर है। आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने एक जानकारी रख दें, आप लोग अगर कंफ्यूजन में है कि बार्ज क्या होता है। बार्ज एक तरीके की फ्लैटशिप होती है जो एक ही जगह पर बांधी हुई होती है। तेल निकालने का काम समुद्र में चलता है तो उसे एक जगह पर बांध दिया जाता है, उसी पर रहकर, उसी पर मौजूद रहकर लोग काम करते हैं। जब समुद्र में ताऊते तूफान आया तो ये अपनी जगह से खिसक गए, जिसकी वजह से इसके पलट के डूबने की आशंका बढ़ गई। तो नेवी के पास SOS कॉल्स गए ताकि उनको बचाया जा सके, जो जिंदगियां इस पर मौजूद है। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी जानकारी भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सागर भूषण ऑयल रिग की अगर बात करें, यह भी अपनी जगह से खिसक गया था, यह खबर आई थी। डर लगातार था लोगों के भीतर क्या होगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 101 लोगों को इस पर बचा लिया गया, जो अच्छी खबर थी। SS3 एक और बार्ज, ये भी अपनी जगह से खिसक गया, 196 लोग इस पर फंसे गए थे, इसको फिलहाल एंकर कर लिया गया, यानी इसे बांध दिया गया है वापस, ये कंट्रोल में है। और एक और जानकारी ग्रेट शिप अदिति को लेकर आई है, ये भी अपनी जगह से खिसक गया था, इसको भी एंकर कर लिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी और राहत की खबर है। तो हम आपके सामने टच स्क्रीन के जरिए वो तमाम आंकड़े भी रख रहे हैं कि कितने लोग हैं जो इन बार्ज पर काम कर रहे थे और कितने लोग हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी कई जिंदगियों को बचाना है, इसीलिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। ओवर टू यू मलिका। तो हम समझते हैं कि आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ताऊते तूफान ने किस तरह की तबाही मचाई है और रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह से चल रहे हैं। शुक्रिया प्रतिमा ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ताऊते तूफान ने मुंबई की रक्षा दीवार समझे जाने वाले गेटवे ऑफ इंडिया पर भी अपने हमले के निशान छोड़े हैं। तूफान से मुंबई में जो तबाही हुई है उसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये समंदर की वार्निंग थी, क्या मुंबई पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आखिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं और क्यों मुंबई पर खतरा महसूस किया जा रहा है, इसका जवाब जानने के लिए देखिए ABP News की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
ताऊते ने तोड़ दी मुंबई की सबसे मजबूत दीवार। गेटवे ऑफ इंडिया की दीवार का टूटना मुंबई के लिए एक खतरे की घंटी माना जा रहा है। क्योंकि इस दीवार को मुंबई का रक्षा कवच तक कहा जाता था, लेकिन ताऊते ने इस पर जिस तरह से हमला बोला है उसके बाद यह खतरा सताने लगा है कि कहीं ताऊते समंदर के गुस्से का ट्रेलर तो नहीं था, और आने वाले वक्त में समंदर और जोरदार तरीके से हमला बोलने वाला है। इस खतरे की एक बड़ी वजह है मुंबई शहर का इतिहास और भूगोल। मुंबई शहर अब से करीब 500 साल पहले 7 टापुओं में बटा हुआ था, और उन दिनों ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1661 में जब पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजकुमार के साथ हुई, तो पुर्तगालियों ने मुंबई के इन 7 टापुओं को बतौर दहेज ब्रिटेन को दे दिया। जब ब्रिटेन ने इन 7 टापुओं को हासिल किया तो ये तय हुआ कि इन सभी टापुओं को मिलाकर एक बड़ा लैंडमास तैयार किया जाएगा, और इसके लिए काम शुरू किया गया रिक्लेमेशन का, समुद्र को पाटने का। रिक्लेमेशन का ये काम 1845 में जाकर पूरा हुआ, और जो मुंबई की वर्तमान तस्वीर हम देखते हैं, जो मौजूदा शक्ल देखते हैं, वो 1845 के बाद की है। लेकिन अंग्रेजों ने जो इस शहर का दायरा तय किया था, जो समुद्र का दायरा तय किया था, जो सीमाएं बनाई थी, लगता है अब उन सीमाओं को समुद्र तोड़ने के लिए बेताब है, और इसी की एक झलक हमें सोमवार के दिन दिखाई दी। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर के किनारे बसे दुनिया के लगभग हर शहर पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन मुंबई पर खतरा कुछ ज्यादा ही है। इसकी वजह है वैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट। अमेरिका के संगठन क्लाइमेट सेंट्रल की ताजा पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया है। क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक मुंबई के बड़े हिस्से में समंदर कब्जा कर सकता है, जिससे भारत में 30 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की रिपोर्ट भी कम डराने वाली नहीं है। NIC के मुताबिक 1993 से लेकर 2012 तक समंदर का औसत जल स्तर 0.322 मिलीमीटर तक बढ़ा है, और कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सदी के अंत तक समंदर का जल स्तर 2 मीटर तक बढ़ सकता है। 100 साल में और आज में बहुत फर्क है, क्योंकि आज मॉडलिंग सिस्टम होती है। मॉडलिंग सिस्टम में क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, हर एक पैरामीटर उसमें डाला जाता है, तो 12 मीटर का जो निष्कर्ष आता है उससे ये प्रेडिक्शन करते हैं। तो इन्होंने जो बताया है कि 2050 में अगर इसी गति से, इसी स्पीड से अगर टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, हाँ जरूरी हमें तकलीफ हो, मगर अगर इसको हम कंट्रोल करते हैं तो हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब बचाव कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक समंदर का जलस्तर हमेशा से बढ़ रहा है। समुद्र में समाई द्वारका नगरी इसकी मिसाल है, लेकिन 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद समंदर का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, जिससे समंदर के किनारे बसे शहरों के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। तो क्या बार बार हो रही इन कुदरती आपदाओं से हम कोई सबक ले रहे हैं? समुद्र को पाटने का काम यानी कि रिक्लेमेशन अब भी जारी है। ये देखिए, यहाँ पर समुद्र को पाटकर, मुंबई का ये मरीन ड्राइव है, यहाँ पर समुद्र को पाटकर कोस्टल रोड बनाया जा रहा है, जो कि दक्षिण मुंबई की दूरी उत्तर पश्चिमी उपनगरों से काफी कम कर देगा। लेकिन इसके लिए समुद्र से जगह हासिल करनी है, जिसका काम यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है, एक तरफ इंसान के लिए सुख सुविधाएं हासिल करनी है, विकास को देखना है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण को भी बचाना है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज मुंबई। तो देखिए, आगाह करती रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, क्योंकि लगातार मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें खतरे की घंटी है। ताऊते तूफान ने देश के पश्चिमी हिस्से में बड़ी तबाही मचाई है। ताऊते से हुई बर्बादी का जायजा लेने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और दीव के दौरे पर जाने वाले हैं। मंगलवार को गुजरात पर ताऊते तूफान की मार को बताने के लिए ये 4 तस्वीरें एक बानगी भर है। ताऊते की सबसे बुरी मार गुजरात पर ही पड़ी है। तेज हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। शहर के शहर गिरे हुए पेड़ों से ढके नजर आने लगे। जोरदार बारिश ने परेशानी और बढ़ा दी है।
अहमदाबाद समेत कई शहरों में लोगों को जल जमाव से भी जूझना पड़ा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक गुजरात में 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य भर में 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। गुजरात से पहले गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और दीव में ताउते ने ऐसी ही तबाही मचाई। पीएम मोदी आज तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गुजरात और दीव के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे दिल्ली से भावनगर के लिए रवाना होंगे। ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई दौरा करेंगे। ताउते से हुई बर्बादी का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचकर सीएम और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो नमस्ते भारत में 180 मिनट में 360 डिग्री से खबरें दिखाने का वादा हमने जो किया है वो हम निभा रहे हैं। अब खेल के मैदान से आई खबर जान लीजिए। टीम इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप के मिशन पर इंग्लैंड रवाना हो रही है, लेकिन खिलाड़ियों की वैक्सीनेशन पर क्या अपडेट है ये भी जान लीजिए। कोरोना को मात देकर टीम इंडिया मैदान में उतरने के लिए तैयार है। विराट सेना कोरोना से आधी लड़ाई देश में लड़ेगी तो आधी विदेश में। दरअसल टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, लेकिन दूसरी डोज के वक्त ज्यादातर खिलाड़ी इंग्लैंड में मौजूद रहेंगे, क्योंकि टीम इंडिया इंग्लैंड में 18 से 22 जून तक न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगी। वहीं 4 अगस्त से 14 सितंबर तक इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज होगी। टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे को ध्यान में रखते हुए सभी खिलाड़ियों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट में उत्पादन होता है। इंग्लैंड में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लग रही है, जिसे ऑक्सफोर्ड नहीं बनाया है और कोविशील्ड के समान ही है। अब टीम इंडिया के क्रिकेटर वैक्सीन की दूसरी डोज इंग्लैंड में लेंगे। 2 जून को कोहली की सेना इंग्लैंड पहुंचेगी। वैक्सीनेशन के बाद ही टीम इंडिया 7 दिनों तक क्वारंटीन में रहेगी। गुजरात में तबाही मचाने के बाद ताउते तूफान की राजस्थान में एंट्री। तूफान की गति पहले से धीमी। उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट। जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर में भी होगी तेज बारिश। उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लोगों से घरों से ना निकलने की अपील। गृहमंत्री अमित शाह ने तूफान को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से बात की, तैयारियों की जानकारी ली, केंद्र से हर तरह की मदद का भरोसा दिया। पीएम मोदी आज गुजरात और केंद्र शासित दमन और दीव का दौरा करेंगे। तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से भावनगर के लिए रवाना होंगे। भावनगर से हेलीकॉप्टर में सवार होकर गुजरात और दमनदीव में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान को देखेंगे पीएम। इसके बाद अहमदाबाद में सीएम विजय रूपाणी और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने गुजरात में मचाई बड़ी तबाही। तेज हवाओं के साथ बारिश से हजारों पेड़ उखड़ने और मकान गिरने की खबरें आई। एनडीआरएफ ने कहा, संकट गुजर गया। सीएम विजय रूपाणी के मुताबिक तूफान से प्रदेश में 40,000 से ज्यादा पेड़ उखड़े। 16,500 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। 2400 से ज्यादा गांव में बिजली ठप रही। हादसे में 7 लोगों की मौत। मुंबई के करीब बार्ज 305 से अब तक 180 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन 93 लोग अब भी लापता। ऑयल फील्ड से बहकर समंदर में जाने से डूबा जहाज। मुंबई के पास फंसे दूसरे बार्ज गल्फ कंस्ट्रक्टर से भी सभी 137 क्रू सदस्यों को बचाया गया, लेकिन गुजरात से सटे समंदर में अब भी 3 जहाज फंसे, जिन पर मौजूद 300 से ज्यादा क्रू मेंबर्स के पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा। नौसेना के मुताबिक खराब मौसम और समंदर में आए तूफान से रेस्क्यू मिशन पर हो रहा है असर। समंदर में 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। रेस्क्यू के बाद आईएनएस कोची आज सुबह 11 बजे मुंबई हार्बर पर लौटेगा। ओएनजीसी के बाद डूबने के बाद से ही लगातार राहत और मदद कार्य में जुटा रहा।
ताऊते तूफान की वजह से 3 दिन में 5 राज्यों में 20 से ज्यादा की मौत, गुजरात में 7 की जान गई तो महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक में 4, गोवा में 2 और तमिलनाडु में 2 लोगों ने जान गंवाई। ताऊते तूफान का दिल्ली NCR और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी असर, आज और कल भारी बारिश की चेतावनी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, दिल्ली में कई जगह कल बूंदाबांदी होती रही। ताऊते तूफान के असर से मध्य प्रदेश में भी बदला मौसम, भोपाल जबलपुर समेत कुछ जिलों में तेज बारिश हुई, आज और कल पश्चिमी यूपी और हरियाणा के कई हिस्सों में भी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में बड़ा असर दिखाने के बाद ताऊते तूफान कमजोर हुआ, कल के बाद इसका असर खत्म होने लगेगा। रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का, जिसमें बात होगी कोरोना संकट से जुड़ी खबरों की। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी देखी गई, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 4329 लोगों की मौत हुई, 263,537 नए मरीज आए। कोरोना पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, कहा देश में कोरोना से अभी सिर्फ 2% आबादी प्रभावित, 98% आबादी पर संक्रमण का खतरा बरकरार। देश में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है, 18 राज्यों में अब 50,000 से भी कम नए कोरोना केस। देश में एक दिन में पहली बार 4 लाख से ज्यादा मरीजों के ठीक होने का बना रिकॉर्ड, एक्टिव केस घटकर 33,53,765 हुए, अब तक 18,44,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट बढ़कर 85.6%, अब सिर्फ 8 राज्य ऐसे हैं जहां रोज 10,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, 75% नए मामले सिर्फ 10 राज्यों से ही आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 राज्यों के 46 DM से वर्चुअली संवाद किया, कोरोना कम करने के सुझाव मांगे, कहा हमारी लड़ाई एक एक जीवन बचाने की। पीएम मोदी ने 9 राज्यों के जिलाधिकारियों से चर्चा के दौरान कोरोना कंट्रोल के लिए मध्य प्रदेश के मॉडल को सराहा, कहा MP मॉडल की तरह काम करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और प्रभावी रहेगी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर फिर से निशाना, कहा देश के भविष्य के लिए मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी, दिल्ली पुलिस की FIR पर बोले कोरोना रोको जनता से सवाल नहीं। सिंगापुर में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होने का दावा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले सिंगापुर से हवाई सेवाएं तत्काल रद्द हो। सिंगापुर को लेकर दिए केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी का जवाब, कहा पिछले साल मार्च से ही बंद है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है, फिर भी हर हालात पर हमारी नजर। सिंगापुर वेरिएंट पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा अभी इस पर जानकारी की जरूरत है, उसे देखने के बाद ही कुछ कह पाएंगे, हर जरूरी फैसले लिए जाएंगे। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 6.89% हुई, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,482 नए केस मिले, 265 लोगों की मौत, करीब 9,500 लोग डिस्चार्ज हुए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 4 बड़े ऐलान, कोरोना से मरने वालों के परिवार को 50,000 मुआवजा और हर महीने 2,500 रुपए पेंशन मिलेगी, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और जरूरतमंदों को बिना कार्ड के राशन मिलेगा। दिल्ली में टीके की किल्लत हो गई है, 18 से 44 साल के लोगों को नहीं लग पा रही है कोवैक्सीन, कोविशील्ड का भी सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बाकी है, 45 से ऊपर वालों के लिए दिल्ली को कोवैक्सीन की 62,240 डोज मिली। दिल्ली में अस्पतालों में बेड की अधिकतम राशि तय करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बिक्री की कीमत मुद्दे पर भी सुनवाई संभव। महाराष्ट्र में तेजी से घट रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में 28,438 केस मिले, 679 की मौत, 52,000 से ज्यादा ठीक होकर घर लौटे।
मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार एक दिन में 1000 से भी कम मरीज सामने आए। 24 घंटे में 953 नए केस मिले, 44 की मौत। ओडिशा में लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ाया गया। वीकेंड पर सब कुछ बंद रहेगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी। तेलंगाना में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रहेगी छूट। तेलंगाना में रोज करीब 4000 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। यूपी में कम होते कोरोना मामलों के बीच शादी समारोह के नियम बदले। अब शादी समारोह और आयोजनों में सिर्फ 25 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का कहर। केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 34 मरीज भर्ती, जिनमें से 4 मरीजों की मौत हुई। यूपी सरकार में मंत्री विजय कश्यप का कोरोना से निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने निधन पर शोक व्यक्त किया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान। कोरोना को हराने वाले और 100% टीकाकरण करने वाले गांवों को देंगे 10 लाख रुपए का विशेष अनुदान। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब का केंद्र पर फिर वैक्सीन को लेकर आरोप। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू बोले, रोज 3 लाख वैक्सीन की जरूरत, लेकिन मिल रही है केवल 40,000। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का बयान, 2 से 3 महीने में पूरी आबादी का टीकाकरण संभव नहीं। पूरी दुनिया को टीका लगने में 2 से 3 साल लगेंगे। लोगों की कीमत पर वैक्सीन निर्यात नहीं किया जा सकता। पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर्स पर सवालों के बीच इसे बनाने वाले सरकारी उपक्रम बीईएल का बयान, कहा जो वेंटिलेटर बनाए वो खराब नहीं, अस्पतालों ने ही निर्देशों का सही से पालन नहीं किया। टूलकिट मामले ने फिर तूल पकड़ा। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, बीएल संतोष और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर की मांग। कोर्ट जाने तक की चेतावनी दी। टूलकिट को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर लगाए बड़े आरोप, कहा मुश्किल वक्त में जब देश को एक होने की जरूरत, तब कांग्रेस भ्रम फैलाने में जुटी। बंगाल के नारदा सिंह मामले में जेल में बंद टीएमसी नेताओं की पुनर्विचार याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने कल जमानत वाले सीबीआई के फैसले पर रोक लगाई थी। आज खत्म हो रही है चारों की हिरासत। बंगाल में चुनाव के बाद मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एसआईटी गठन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से जवाब मांगा। राजस्थान कांग्रेस में फिर सियासी संकट के बादल। पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया। बाड़मेर की गुड़ामालानी सीट से विधायक है हेमाराम। कद्दावर जाट नेताओं में होती है गिनती। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से झटका। जूनियर पहलवान की हत्या के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन कोर्ट से एक और झटका। लंदन कोर्ट ने भारत में माल्या की संपत्ति पर लगाया सिक्योरिटी कवर हटा दिया। भारतीय बैंक अब माल्या से वसूल सकेंगे अपना कर्ज। सिंगापुर में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से दहशत। वहां की सरकार का दावा, बच्चों को बीमार कर रहा है भारत जैसा नया स्ट्रेन। आज से सिंगापुर में सभी स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए। 39 साल के मुईद यूसुफ 2 साल से पीएम इमरान के विशेष सलाहकार थे। बांग्लादेश में महिला पत्रकार रोजीना इस्लाम की 98 साल पुराने सीक्रेसी लॉ के तहत गिरफ्तारी। सरकारी भ्रष्टाचार का रोजीना ने खुलासा किया था। कोरोना का नौकरी पेशा लोगों पर असर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से अब तक 3.5 करोड़ कर्मचारियों ने पीएफ खाते से 1.25 लाख करोड़ रुपए निकाले। गूगल लाया है कॉलिंग के लिए नया फोन ऐप। कॉल आने पर कॉल करने वाले का नाम या नंबर बोलकर बताएगा, स्पैम कॉल का अलर्ट भी देगा। एक स्पोर्ट्स वेबसाइट की खबर के मुताबिक अगले साल नवंबर में टीम इंडिया करेगी बांग्लादेश का दौरा। 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेलेगी।
एबी डिविलियर्स की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की अटकलों पर पूरी तरह लगा विराम। आईसीसी के मुताबिक क्रिकेट साउथ अफ्रीका साफ कर चुका है कि संन्यास के बाद मैदान पर वापसी के लिए बोर्ड डिविलियर्स का वो मौका नहीं देगा। 15 T20 मैचों के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान। क्रिस गेल के साथ ऑलराउंडर आंद्रे रसल और शिमरोन की वापसी। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ होनी है घरेलू T20 सीरीज। सोशल मीडिया पर आज रिलीज होगा मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर। अमेजॉन प्राइम पर 4 जून से देखने को मिलेगी सीरीज। खबरों के हर पहलू के साथ 180 मिनट का सफर भी जारी है। मौसम से लेकर महामारी की हर हलचल, पूरी खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम। दो बड़ी खबर के साथ आपको वो खबर भी दिखाएंगे जो आपको पॉजिटिविटी से भर दे। और शुरुआत हम दिन की 3 बड़ी खबर से करते हैं। लेकिन उससे पहले मलिका, आज का पॉजिटिव थॉट जानना भी जरूरी। बिल्कुल, पॉजिटिव थॉट हम आपको जरूर बताएंगे। तो पॉजिटिव थॉट ये है कि भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। यानी अगर समस्या है तो समाधान भी है। और चलिए अब खबरों की बात कर लेते हैं। ताउते तूफान की वजह से मुंबई के समंदर में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है नौसेना। अच्छी बात यह है कि 700 में से 400 से ज्यादा लोगों को बचा चुके हैं। सुबह 11 बजे INS कोची मुंबई के तट पर लौटेगा। अब तक बचाए गए लोगों को लेकर इस दौरान INS कोलकाता मोर्चे पर डटा रहेगा। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें आज की, पीएम मोदी आज गुजरात और दीव के दौरे पर जाने वाले हैं जहां वो तूफान से नुकसान का जायजा लेंगे। और तीसरी बड़ी खबर आज की, जिस पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, मुंबई पर भले ताउते ने प्रहार किया हो लेकिन महामारी वहां हार रही है। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार मुंबई में एक दिन में संक्रमित लोगों की संख्या 1000 से नीचे रही। तो ये है आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 3 बड़ी खबरों पर तो नजर हमारी बनी रहेगी। सबसे पहले बात ताउते की ही कर लेते हैं। ताउते तूफान की वजह से मुंबई के समंदर में फंसी जिंदगियों को बचाने का काम लगातार जारी है। नौसेना समंदर में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बार्ज P-305 में सवार 273 लोगों में से 180 लोगों को बचा लिया गया। ताउते तूफान अब शांत हो चुका है लेकिन समंदर में तूफान के रौद्र रूप को देखकर ही रूह कांप जाए। 17 तारीख को मुंबई के समंदर में ONGC के अलग अलग रिग पर काम करने वाले 700 से ज्यादा कर्मचारी इन्हीं लहरों में फंस गए, जिसके बाद नौसेना ने मौत के मुंह में फंसे इन लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू किया। नौसेना अब तक 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है और लगातार ऑपरेशन जारी है। समंदर में 16 से 18 घंटे संघर्ष करके लौटने वाले संदीप सिंह बताते हैं कि कैसे उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। टूट गए तो बाज तैरने लगा, बाज तैरने लगा तो उसने एक अनमैन प्लेटफॉर्म पे जाके टच कर दिया। ठोक के चार रुपए में छोड़ने से पानी उसके अंदर भरने लगा और इतना ज्यादा पानी गिर रहा था, इतना रफ था कि चारों तरफ से पानी आ रहा था। हमारे पास कोई इलाज नहीं था कि उसको रोक सके। लेकिन नौसेना ने समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और भंवर में फंसी जिंदगियों को सही सलामत किनारे तक पहुंचा दिया। चक्रवात में फंस गए थे, उनका जो है बाढ़ जो था हैंगिंग कर दिया था लेकिन जो है हैंगिंग करके जो है गया। ये भी आप लोग की मदद के लिए आई, बहुत बहुत शुक्रिया। ताउते तूफान के दौरान समंदर में बार्ज P-305 पर 237 लोग फंस गए, जिसमें से 180 को बचाया जा चुका है। बार्ज गर्ल कंस्ट्रक्टर में 137, ऑयल रिग सागर भूषण में 101 और बार्ज SS-3 पर 196 लोग बचाए जा चुके हैं। समंदर में काम करने के दौरान कर्मचारियों के रहने के लिए जो इंतजाम किया जाता है उसे ही बार्ज कहते हैं। इसमें कोई इंजन नहीं होता, इसे दूसरे जहाज खींच कर ले जाते हैं। समंदर में फंसे लोगों के लिए नौसेना एक बार फिर देवदूत बनकर आई है और सैकड़ों लोगों को नई जिंदगी की सौगात दी है। और हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है, किस तरह से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन?
जी देखिए, अभी भी जो एक बड़ी घटना जो ओएनजीसी वाले बार्ज पर हुई थी P305 पर, उस पर 273 लोग सवार थे। बीती रात तक जो जानकारी हमें मिली है 180 लोगों को बचाया गया था। 93 लोगों के लिए अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। याद होगा आपको कि इंडियन नेवी ने दो पहले जहाज भेजे थे, INS कोची और INS कोलकाता, जिसमें से INS कोची जो युद्धपोत है वो आज हार्बर पर सुबह 11 बजे लौट रहा है और जो लोग बचाए गए हैं उनको अपने साथ लेकर हार्बर पर लौट रहा है। लेकिन वहां अभी भी सर्च और रेस्क्यू जारी है। मुंबई के समुद्री तट से लगभग 65 किलोमीटर दूर जहां पर ये पूरी घटना हुई है, वहां अलग अलग इंडियन नेवी की शिप लगाई गई हैं, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर लगातार गश्त लगा रहे हैं। आप इस बात से कल्पना कर लीजिए कितनी बड़ी घटना है। जिस दिन तूफान आया था उस दिन शाम 4 बजे से जो उस बार्ज पर काम करने वाले कर्मचारी थे वो समुद्र में कूद गए थे और तब से लेकर वो समुद्र में अभी भी हैं। अब इस ऊंची लहरों में, तूफानी समुद्र में अभी भी वो कितने लोग बहकर कितनी दूर चले गए होंगे, इसका आप कल्पना कर सकते हैं। बहुत से लोग बचाए गए। कल हमने एबीपी न्यूज ने कई लोगों से बातचीत भी की जिन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। ऐसे लोग थे जो 4 बजे का पानी में समुद्री तूफान में थे और वो सुबह 11 बजे नेवी की नजर में आए, हेलीकॉप्टर की नजर में आए, फिर उनको बचाया गया। 18 घंटे तक समुद्र में वो संघर्ष करते रहे लाइफ जैकेट के सहारे। तो आप इससे कल्पना करिए कि अभी भी ऐसी 93 जिंदगी है जिनको तलाशना है, उनको बचाना है। और अभी ताजा जानकारी सुबह की नहीं मिल पाई है, लेकिन जो बीती जानकारी रात भर की है उसके मुताबिक अभी 93 लोगों की का सर्च अभी भी जारी है। ठीक है मृत्युंजय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखें लौटेंगे अपडेट के लिए और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो जिंदगियां अभी मुश्किल में है उन्हें बचा लिया जाए। एक बार प्रतिमा का रुख कर लेते हैं क्योंकि टच स्क्रीन के जरिए वो ज्यादा जानकारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आप तक पहुंचा रही है। ओवर टू प्रतिमा। शुक्रिया मलिका, अपने दर्शकों को बेहद आसान भाषा में अपनी इस टच स्क्रीन के जरिए हम समझा देते हैं कि किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन समुद्र के भीतर चल रहा है। देखिए ये मैप है, मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं ताउते तूफान आया और उसके बाद किस तरीके की मुसीबत लेकर आया। देखिए बार्ज को लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आई, कुल 3 बार्ज ऐसे हैं जो कि ऑयल रिग हैं। ये यहाँ पर काम चल रहा था तेल निकालने को लेकर, इस पर 707 लोग काम कर रहे थे, उनमें से 418 लोगों को बचा लिया गया। ये एक अच्छी जानकारी है, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जिन्हें बचाना है, जिनको बचाने के लिए चल रहा है ऑपरेशन जिंदगी समंदर के भीतर। अब देखिए P305 ये एक ऐसा बार्ज है जिसमें 273 लोग सवार थे, ये डूब गया, ये दुखद खबर आई। लेकिन इनमें से 180 लोगों को खराब मौसम के बावजूद, रात के अंधेरे के बावजूद बचा लिया गया है। बाकी को बचाने के लिए लगातार हमारी नेवी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एक और अहम जानकारी, गर्ल कंस्ट्रक्टर, ये एक और बार्ज है, इस पर 137 लोग सवार थे, इन सभी को बचा लिया गया है, बहुत अच्छी खबर है। आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने एक जानकारी रख दें, आप लोग अगर कंफ्यूजन में है कि बार्ज क्या होता है। बार्ज एक तरीके की फ्लैटशिप होती है जो एक ही जगह पर बांधी हुई होती है। तेल निकालने का काम समुद्र में चलता है तो उसे एक जगह पर बांध दिया जाता है, उसी पर रहकर, उसी पर मौजूद रहकर लोग काम करते हैं। जब समुद्र में ताउते तूफान आया तो ये अपनी जगह से खिसक गए, जिसकी वजह से इसके पलट के डूबने की आशंका बढ़ गई। तो नेवी के पास SOS कॉल्स गए ताकि उनकी, उनको बचाया जा सके, जो जिंदगियां इस पर मौजूद है। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी जानकारी भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सागर भूषण ऑयल रिग की अगर बात करें, यह भी अपनी जगह से खिसक गया था, यह खबर आई थी। डर लगातार था लोगों के भीतर क्या होगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 101 लोगों को इस पर बचा लिया गया, जो अच्छी खबर थी। SS3 एक और बार्ज, ये भी अपनी जगह से खिसक गया, 196 लोग इस पर फंसे गए थे, इसको फिलहाल एंकर कर लिया गया, यानी इसे बांध दिया गया है वापस, ये कंट्रोल में है। और एक और जानकारी ग्रेट शिप अदिति को लेकर आई है, ये भी अपनी जगह से खिसक गया था, इसको भी एंकर कर लिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी और राहत की खबर है। तो हम आपके सामने टच स्क्रीन के जरिए वो तमाम आंकड़े भी रख रहे हैं कि कितने लोग हैं जो इन बार्ज पर काम कर रहे थे और कितने लोग हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी कई जिंदगियों को बचाना है, इसीलिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। ओवर टू यू मलिका। ताउती तूफान भले ही अब शांत हो रहा हो लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। शुक्रिया प्रतिमा सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ताउते तूफान ने देश के पश्चिमी हिस्से में बड़ी तबाही मचाई है। ताउते से हुई बर्बादी का जायजा लेने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और दीव के दौरे पर जाने वाले हैं। मंगलवार को गुजरात पर ताउते तूफान के मार को बताने के लिए ये 4 तस्वीरें एक वानगी भर है। ताउते की सबसे बुरी मार गुजरात पर ही पड़ी है, तेज हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। शहर के शहर गिरे हुए पेड़ों से ढके नजर आने लगे। जोरदार बारिश ने परेशानी और बढ़ा दी है।
अहमदाबाद समेत कई शहरों में लोगों को जल जमाव से भी जूझना पड़ा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक गुजरात में 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य भर में 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। गुजरात से पहले गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और दीव में ताउते ने ऐसी ही तबाही मचाई। पीएम मोदी आज तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गुजरात और दीव के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे दिल्ली से भावनगर के लिए रवाना होंगे। ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई दौरा करेंगे। ताउते से हुई बर्बादी का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचकर सीएम और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। ताउते तूफान की मुसीबत झेल रही मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। क्या है वो खबर, जानिए। मंगलवार का दिन मुंबई के लोगों के लिए मंगल समाचार लेकर आया, क्योंकि कई दिनों बाद ऐसा पहली बार हुआ जब माया नगरी में संक्रमितों की संख्या 1,000 से कम रही। मंगलवार में मुंबई में सिर्फ 953 नए केस दर्ज किए गए। इससे पहले 2 मार्च को 1,000 से कम 849 नए केस आए थे। हालांकि 44 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 2,258 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब रहे। कोरोना संक्रमितों की संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र में सुधार है, लेकिन वो अब भी टॉप पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 28,438 नए केस सामने आए हैं और 679 लोगों के लिए कोरोना वायरस जानलेवा साबित हुआ। हालांकि 52,898 लोग ठीक होकर सही सलामत घर भी लौटे। लेकिन मुंबई में कोरोना का गिरता ग्राफ किसी बड़ी राहत भरी खबर से कम नहीं। हालांकि सच ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में मुंबई में टेस्टिंग की रफ्तार कम हुई है। पहले एक दिन में 50,000 के करीब टेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा सिमटकर 20,000 से 25,000 तक आ गया है। मुमकिन है कि कम टेस्टिंग की वजह से भी पॉजिटिविटी दर में कमी हुई हो। नमस्ते भारत में हमें और आपको सावधान करती ये जरूरी खबर। कोरोना के कथित नए वेरिएंट को सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिंगापुर वेरिएंट मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि भारत में सक्रिय दूसरी लहर का ही वेरिएंट है, लेकिन बच्चों के लिए घातक माने जा रहे इस वेरिएंट ने भारत की चिंता बढ़ा दी। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ ही रहा है, इसी बीच तीसरी लहर का भी डर सताने लगा है। सिंगापुर में कोरोना का एक वेरिएंट देखा जा रहा है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सिंगापुर में इस समय कोरोना का B.1.617.2 नाम का नया स्ट्रेन दहशत फैलाए हुए है। सिंगापुर सरकार का कहना है कि ये स्ट्रेन बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसको देखते हुए सिंगापुर में सभी स्कूलों को आज से 28 मई तक बंद करने की घोषणा की है। भारत सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और भरोसा दिला रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो रिपोर्ट जिसको आपने रेफर किया है, उन्होंने किस पर्टिकुलर वेरिएंट का कहा है उसके बारे में ऑथेंटिक बात इंफॉर्मेशन होगी रादर देन फ्रॉम अनकंफर्म्ड सोर्सेज, उसका जवाब देंगे। इस बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। इस बीच भारत में बच्चों की वैक्सीन को लेकर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल अगले 10 से 12 दिनों में शुरू हो जाएगा। जो कोवैक्सीन है, हमारा वैक्सीन, उसको परमिशन दी गई है कि वो बच्चों में अब ट्रायल आगे लेकर जाए। उस वैक्सीन के अभी ट्रायल जो है वो 18 से ऊपर का हुआ है, इसलिए वो रिकमेंडेशन 18 के ऊपर की है। लेकिन बच्चों में ये इस्तेमाल हो और उसमें क्या रिस्पांस है उसका भी उनको ट्रायल की परमिशन मिली है। सिंगापुर से फ्लाइट रोकने की सीएम केजरीवाल की मांग पर सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा है, केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने बंद है। सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है, बस कुछ वंदे भारत उड़ानों में हम वहाँ फंसे भारतीयों को वापस लाते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं, फिर भी स्थिति पर हमारी नजर है, सभी सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि बच्चों में इसका ज्यादा असर नहीं दिखता है, लेकिन जब तक नए स्ट्रेन के बारे में हमें पूरी जानकारी ना हो जाए, सतर्क रहने में ही जिम्मेदारी है। और चलिए नमस्ते भारत में अब आपको अगली खबर दिखाते हैं, और खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई है लेकिन मदद से जुड़ी। सदी के महानायक किस तरह से देश की मदद में जुटे हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
मदद का ये हाथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने बढ़ाया है। बिग बी ने मुंबई के जुहू इलाके में नितंबरा विश्वविद्यापीठ स्कूल में 25 बेड वाले कोविड सेंटर के निर्माण में मदद की है। डॉक्टर कम्युनिटी थे, डॉक्टर बर्वे, उनसे हमारा संपर्क हुआ और साथ अमिताभ बच्चन जी से बात हुई और आगे हम लोग संपर्क में आए। आज से शुरू हो रहा ये कोविड सेंटर सभी सुविधाओं से लैस है। दोनों सेंटर के दो वार्ड में 25 बेड हैं। हर बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध है, दवाइयां और पौष्टिक शाकाहारी खाने की भी सुविधा है। व्हीलचेयर फिजियोथेरेपी और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की भी व्यवस्था है। पैथ लैब और सीटी स्कैन भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए मरीज को पैसे चुकाने होंगे। तमाम जो बेड्स हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। इस वार्ड बी में 15 मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी लगा दिए गए हैं। इससे पहले भी बिग बी दिल्ली में कोविड सेंटर की मदद कर चुके हैं। रकाबगंज गुरुद्वारा में 400 बेड के लिए अमिताभ ने 2 करोड़ रुपए की मदद की थी। तो इस मुश्किल वक्त में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन देश की किस तरह से मदद कर रहे हैं वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा। वेलकम टू खुशकिस्मत, मैं हूं डॉक्टर लारा शाह, आपकी वेलनेस एक्सपर्ट। आज जानेंगे कि कैसे आपकी हाथों की रेखाएं आप बदल सकते हैं, आपका विल पावर और भाग्य क्या कहता है। सदाबहार फूल के औषधीय गुण भी बहुत हैं, लेकिन वास्तु के लिए इसे अच्छा माना जाता है। और ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि यानी एरीज। हम देखेंगे कि आज आपका फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दिन कैसा रहेगा। ये दोनों कार्ड्स आए हैं, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो चीज शायद डिले होगी और आप सोचेंगे बाद में कर लेंगे, तो प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, अपने काम को पूरा करें। शाम को हो सकता है आपको चिंता ज़्यादा होगी और इसके वजह से यू विल फील लो, या आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा, आप भावुक हो जाएंगे और इसके वजह से यू विल फील कि आई एम यूजलेस, या अपने आप को आप सेल्फ इमोलेट करोगे। तो इस तरह से ना करें, इट्स ओके, होता है कभी कभी। आज का दिन अगर कुछ ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन कल जरूर पूरा करिएगा। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। आपका मॉर्निंग बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, और एक कार्ड गिर गया है। अगर कार्ड गिर जाता है तो ये संकेत देता है, और ये कार्ड कह रहा है कि कुछ अच्छा होगा। अगर आपके किसी के साथ अनबन है तो वो सुलह हो जाएगी, आपका सारा दिन अच्छा रहेगा। लेकिन ये एक खास कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्स। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आज के दिन आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, और अगर आप क्रिएटिव हैं तो एक आइडिया इतनी अच्छी होगी कि आप उस पर अमल कर पाएंगे। अब बारी है मिथुन यानी जेमिनी राशि की। ये कार्ड आया है कि आप शायद बहुत मूडी, बहुत भावुक रहेंगे और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, या आपको सर्दी है, जुकाम है, तो आपको ध्यान रखना है, स्टीम लीजिए। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि चंद्र शायद आपका उल्टा है या रॉन्ग मूवमेंट चल रही है, जिसके वजह से ये हो सकता है कि आपको कोई चीज़ को जाने देना पड़े। एक आइडिया है या एक थॉट है, उसको आपको जाने देना पड़ेगा, मे बी दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। अब बारी है कर्क राशि की, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। वेल, ये थोड़े से अपसेटिंग कार्ड्स हैं। ये कार्ड बता रहा है कि शायद आपको कोई अच्छी खबर नहीं आएगी, या आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे न्यूज़ आएंगे, लेकिन शाम को आप एक डिसीशन ले पाएंगे जिसके वजह से यू विल फील लिटिल कॉन्फिडेंट। सो आई होप आपके लिए ये दिन अच्छा जाए।
अब आ रही है सिंह राशि यानी लियो, देखते हैं आपका फर्स्ट हाफ कैसा रहता है और आपकी शाम कैसी जाएगी। वेल, ये कार्ड ये दिखा रहा है दैट आपका फर्स्ट हाफ यानी सुबह से लेकर दोपहर को 3 बजे तक दिन बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। अगर आपको कोई काम करना है तो पूरा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद शायद आप मायूस फील करेंगे या आप जो चाह रहे थे वो चीज़ नहीं होगी आज। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गोस की, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। ये कार्ड है आपके फर्स्ट हाफ का, जो कह रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ यानी आपकी ताकत थोड़ी कम है। अगर आप रिसेंटली बीमार थे तो आपके स्वास्थ्य के लिए आपको 1-2 दिन और आराम करना पड़ेगा। और ये कार्ड ऐसा कह रहा है कि कुछ स्पिरिचुअल होगा आपके साथ, आज आप मंत्र जाप करें, प्रेयर्स करें तो कुछ अच्छी बात हो सकती है, लेकिन कोई गुप्त बात आपकी बाहर भी निकल सकती है। अब बारी है तुला राशि यानी लिब्रंस की। लिब्रा में कार्ड आया है कि हो सकता है आपकी हेल्थ में या आपके एनवायरनमेंट में कुछ चैलेंजेस हैं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंड करेगा या आप जो बोलना चाह रहे हैं वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं होगा। ये कार्ड कह रहा है शाम को कि आपने जो एक मन में इच्छा थी या प्रेयर की थी, हाँ, वो पूरी होगी आज। अब देखते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियन, आपके लिए कार्ड्स अच्छे आए हैं। यहाँ पर ये कार्ड ऐसे बता रहा है कि अगर आपको कोई चिंता थी या नेगेटिव सोच आ रही थी तो वो आज दूर हो जाएगी और आपका काम भी बन जाएगा। इस कार्ड से ये मतलब है कि अगर आपको कोई काम पूरा करके देना था तो आज आप डेडलाइन मीट कर पाएंगे और आपको पेमेंट भी मिल जाएगी। अब बारी है धनुराशि यानी सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है लवर्स कार्ड, और ये कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, यानी आप बहुत दिन आराम कर चुके, आज के दिन आपको बहुत मेहनत करनी है और आप जो भी करेंगे वो पूरा होगा। ये कार्ड है आपके लवर्स कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आज का दिन है रोमांस, हैप्पीनेस, जॉय, पार्टनरशिप्स, तो एंजॉय योर डे। मकर राशि यानी केप्रिकॉन, आपकी बारी है। अब देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप जो काम लेकर निकले थे उसमें शायद आपको डर लग रहा है, इसलिए आप ओवर केयरफुल हैं। आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, टुडे इज अ गुड डे। और ये कार्ड कह रहा है कि आपका लक शुरू हुआ है, लेकिन उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मत करिए। अगर आज काम पूरा होता है तो कर लीजिए, टुडे इज अ गुड डे। अब देखते हैं एयर साइंस यानी अक्वेरियस और कुंभ राशि। कुंभ राशि, आपके लिए कार्ड आया है कि आप गुस्से के वजह से अपनी कोई दोस्ती को रिस्क पर ले आएंगे, या अगर आपकी पार्टनरशिप में तनाव है तो आज ज़्यादा बात बिगड़ सकती है, थोड़ा शांत रहिएगा। शाम को आप कोई भी बात को संवार सकते हैं, आपको क्रिएटिव एनर्जी होगी, तो मे भी ये हो सकता है कि आप अपने टाइमिंग वर्क के थोड़े से चेंज कर लीजिए, शाम को काम करिए। और आखिरी में मीन राशि यानी पाइसिस, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, मेरा फेवरेट कार्ड है ये। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होगी, या अगर आप चाह रहे थे कि आज बहुत आराम हो तो आज मिलेगा आपको आराम, और थोड़ा सा इजी पॉजिटिव, ऐसे नहीं कि आप तनाव में आराम कर रहे हो। लेकिन शाम को हो सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग, हो सकता है कि आप कुछ काम भूल गए, तो सवेरे आराम करने के पहले देख लीजिएगा कि शाम को आपकी क्या कमिटमेंट है। सूर्य आत्मकारक रहता है, आपकी पावर, ईगो, आपका विल पावर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोल, ये सारा सूर्य से दर्शाता है। वेल, आप एस्ट्रोलॉजी में देखें तो बहुत माइन्यूटली सूर्य को ऑब्जर्व करना पड़ता है ताकि पता चले कि आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली है क्या और आपकी पर्सनालिटी में कोई शैडो है या नहीं। पामिस्ट्री में अगर आप देखें तो ये है आपकी हाथों की रेखाएं, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लाइन ऑफ सक्सेस, ये यहाँ है, ठीक है। ये लाइन ऑफ सक्सेस अगर आप देखेंगे तो सूर्य फिंगर के
आसपास आती है, राइट, इस तरह से, या किसी को यहाँ होती है लाइन या यहाँ होती है, तो ये लाइन सूर्य की तरफ जा रही है या सैटर्न के फिंगर की तरफ जा रही है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब लाइन ऑफ हार्ट अगर आप देखें तो ये है लाइन ऑफ हार्ट। आपकी लाइन ऑफ हार्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने सारे क्रॉसेस हैं या वीक है, ये देखना भी ज़रूरी है। लेकिन कमिंग टू सक्सेस और सूर्य की तरफ जब ये लाइन जाती है और इस तरह से अगर एक खड्डा जैसे बन जाता है, तो इसका ये मतलब है कि आपको सक्सेस के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, दो तीन चीज़ें हैं, लेकिन पहले आप सुन लीजिए। अगर आप ये देखते हैं कि आपकी जो सक्सेस की लाइन है वो इस तरफ मुड़ रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपको लेट सक्सेस मिलेगा। लेकिन सूर्य की मेन डिस्कशन ये है कि सूर्य की उंगली के पास अगर खड्डा है तो उसे चेंज करना है। अब राइट हैंड देखना है कि लेफ्ट हैंड देखना है, मैं बिलीव करती हूँ कि दोनों ही हाथ देखने चाहिए। आप अपने दोनों ही हाथ अपने क्लोज लाइए, ज्वाइन करके देखिए कि आपकी सक्सेस लाइन कहाँ है और कितनी डीप है। अगर खड्डे जैसे बन रही है, बट बहुत सारी इस तरह से क्रिस क्रॉसेस है ना, देन इट मीन्स कि आपको सक्सेस में प्रॉब्लम आ रही है। बिजनेस शायद आपको पार्टनर के साथ करना पड़े, या हो सके आपको फैमिली बिजनेस होगा तो बेटर है, क्योंकि सपोर्ट के बगैर आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये लाइन बहुत खड्डे में जा रही है और क्रिस क्रॉसेस हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपकी विल पावर वीक है, आपके सोचने में आप डिसीशंस नहीं ले सकते, आपका ईगो बहुत स्ट्रांग होगा, आप हर बात से नाराज़ हो जाएंगे या जोर से किसी को डांट देंगे। तो ये लाइन को ठीक करने के लिए दो उपाय जो मैंने कोशिश किए हैं और मुझे पता है इट मेक्स अ डिफरेंस। सबसे पहले आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप सनराइज के वक्त अर्घ दीजिए। जब आप सूर्य की किरणों में पानी इस तरह से आप डालते हैं फेसिंग द ईस्ट, तब वो पानी के किरणों में से लाइट आती है और आपकी ऊर्जा बढ़ती है। सेकेंड आप कर सकते हैं सूर्य का मंत्र, या आप बोलिए या आप सुनिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स रोज आप सूर्य के मंत्र सुने बिफोर सनसेट, 6 बजे के शाम के पहले। और तीसरी चीज आप कर सकते हैं योग का सूर्य नमस्कार, बहुत अच्छा है, बट 12 टाइम्स करना है, 12 टाइम्स या 24 टाइम्स। तो सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं, एक तो आपकी बॉडी की बायो एनर्जी चेंज होती है, फिजिकली आपकी मूवमेंट होने से आपके सूर्य का बल भी आता है, क्योंकि आप सूर्य नमस्कार करते हैं। उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो अभी नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन इन तीनों चीज़ों में से एक भी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपकी हाथों की रेखाएँ बदलेंगी, आपका विल पावर बढ़ेगा और आप अपनी किस्मत भी बदल सकेंगे। बट ट्राई ऑल थ्री एटलीस्ट फॉर 21 डेज, ब्रेक मत करिएगा। ये नहीं कि दो दिन कर लिया और बोला अच्छा कुछ हुआ नहीं, मिरेकल दिखा दो लारा। आप ट्राई करें 21 डेज फोकस से और आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। फूल किसे नहीं पसंद, फूल देखकर हमारा दिल एकदम खिल जाता है। कितना अच्छा होता ना अगर हम हमेशा अच्छे मूड में रहते। लेकिन एक ऐसा फूल है जो सदाबहार कहते हैं उसे, पेरीविंकल। पूरे साल में उसके फूल आते रहते हैं और वो बहुत इजीली आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में अगर आप गुलाबी कलर का पेरीविंकल या सदाबहार फूल के पॉट रखते हैं तो ये साल आपको उसके बहुत फायदे मिलेंगे। सदाबहार फूल के औषधीय गुण भी बहुत हैं, लेकिन वास्तु के लिए इसे अच्छा माना जाता है और वो फूल देखकर हमारा दिल भी खुश हो जाता है। तो साउथ वेस्ट में रखें या अपने आपके जो बैल्कनी है या विंडो के सिल पे हैं, बाहर भी आप रख सकते हैं, उससे आपको एनर्जी अच्छी मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे। आजकल हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं या ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, और ये होता है कि घर में बैठो तो खाने की बात बहुत होती है या खाने के ख्याल बहुत आते हैं, जिसके वजह से बहुत लोगों ने लिखा है हमें कि एसिडिटी का कोई तरीका है, इलाज है। तो एसिडिटी के लिए घर का एक बहुत सिंपल तरीका है जिससे आपको राहत मिल सकती है। आप पुदीने के 5 पत्ते पानी में उबालें और पानी पीजिए सुबह उठकर,
विदाउट हैविंग एनीथिंग एल्स, यानी और कुछ मत लीजिए, सिर्फ पुदीना का पानी। और एक तरीका मुझे बहुत पसंद है कि आप जो आखा जीरा होता है उसे पानी में उबालिए, थोड़ा सा जीरा वाला पानी के अंदर आप 5 पत्ते पुदीने के डाल के उसे चबा जाइए और पानी भी पी लीजिए, एसिडिटी गायब। ये तरीका बहुत आसान है, लेकिन हर रोज सुबह आपको कम से कम 15 दिन ये करना है। पहले ही दिन आपको आराम हो जाएगा, लेकिन जड़ से अगर आपको एसिडिटी निकालनी है तो इसे कंटिन्यू करें लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन 15 दिन जरूर करिए। आपसे ये कहूँ कि एक चीज करने से आपका मूड बदल जाएगा, तो क्या आप वो जानना चाहेंगे? वेल, लेट्स बिगिन विथ इट। आपको पहले ये बता देती हूँ कि व्हाट इज आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मोर देन 50,000 ट्रिलियन सेल्स हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं वाया इलेक्ट्रिक करंट, और इसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन। इससे आपका मूड चेंज होता है, आपके रिएक्शंस जिस चीज़ पर होते हैं वो चेंज होते हैं, आप थोड़े से खुश रहते हैं, यू फील लाइटर एंड बेटर। तो इसे आप कैसे अचीव कर सकते हैं? आपके हाथों में है मोर देन 3,000 रिसेप्टर्स जो आपकी एनर्जी बदलते हैं। तो पहले मेरे साथ शुरुआत करिए, रब योर पाम्स और उसे सेपरेट करें। आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन आएगी। इसी तरह से आप अपने हाथ इस तरह से शेक करिए एंड चेंज द एनर्जी ऑफ योर हैंड्स। इस तरह से जब आप करते हैं तो आपके बॉडी की बायो एनर्जी शिफ्ट होती है। इसी तरह से आप अपने लेग मूवमेंट भी कर सकते हैं, और आप अपने अफर्मेशंस अपनी एक्सरसाइज के साथ बोल सकते हैं। यू कैन डू, इस तरह से आप अपने अफर्मेशंस बोल सकते हैं, या इस तरह से आई एम पावरफुल, आई एम गुड। इस तरह से जब भी आप इवन 5 मिनट्स के लिए कंटिन्यूस फिजिकल मूवमेंट करते हैं, क्योंकि हम सब घर पर हैं, एक ही जगह पर रुककर आप अपने पाम्स रब करें, एक्सरसाइज, यू कैन से आई कैन डू दिस, मैं स्ट्रांग हूँ, आई एम पावरफुल, और मेरे साथ रिपीट करिए। ये करने से आपकी बॉडी की एनर्जी चेंज होगी, ब्रेन के फंक्शंस में भी न्यूरोट्रांसमिशन होती है, इसीलिए यू विल फील बेटर इंस्टेंटली। आपको 1 मिनट या 2 मिनट में आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ एनी फिजिकल मूवमेंट, वेदर इट इज स्पॉट जॉगिंग, स्टेयर्स क्लाइंब करना है, या आपको किक बॉक्सिंग की एक्टिंग करनी है, अगर आपको किसी पे गुस्सा है तो उसे निकालिए, लेकिन मन से, फिजिकली मारकर नहीं। तो इससे 33 मिनट्स आपको ये एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हमारे बॉडी की जो मसल्स है और बायो एनर्जी रिदम्स हैं, इसे चेंज होने में, टू हैव कॉग्निटिव डिफरेंस आपके ब्रेन में और कॉग्निटिव एनर्जी आने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 30 मिनट्स आप क्रॉस करें। तो अगर आप वॉक भी करते हैं तो 33 मिनट्स के बियॉन्ड करें, ताकि आपकी मसल्स और बायो एनर्जी चेंज हो। सो ट्राई दीज एंड लेट अस नो कि आपको फर्क पड़ा कि नहीं, और आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें लिखिए जरूर। हम हर रोज यही कोशिश करते हैं कि हम फिजिकली और इमोशनली बैलेंस्ड रहें। उसके लिए हमारे माइंड में क्या सोच है, हम क्या बार बार सोच रहे हैं, या अपने आप को क्या कह रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको ये पता है कि आपके दिमाग में मोर देन 5 to 60,000 थॉट्स आ सकते हैं, शायद संडे को और भी ज़्यादा। तो बहुत सारे थॉट्स आने की वजह से आप क्या करना चाहते हैं या अपने बॉडी को जो मैसेज देना चाहते हैं वो मिस आउट हो जाता है। इसीलिए आज का मोटिवेशन वर्ड है आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, यानी मैं खुश हूँ और मैं किसी भी हाल में खुश रहूँगा या रहूँगी। आप ये अपने आप को कहेंगे। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको घबराहट हो रही है या आप मायूस फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने आप को ये कहिए। हाउ डू यू डू दैट? एक नेगेटिव थॉट आए ना, तो ये अफर्मेटिव मोटिवेशन वर्ड ऐड करिए, तो वो कैंसिल हो जाए। कई बार अगर मैं थोड़ा सा घबरा भी जाती हूँ या नर्वस होती हूँ, तो कोई थॉट आ जाता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं अपने मन में कैंसिल 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 कहके एक अफर्मेटिव मोटिवेशन वर्ड बोल देती हूँ, दैट आई एम फाइन, आई एम हैप्पी। तो इसी सोच से आज पूरा दिन निकालिए, प्लान फॉर योर नेक्स्ट वीक, आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी गुड। खुश किस्मत पर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए गुड वाइब्स और गुड हीलिंग ले आएँ। आप हमारे साथ जुड़े रहें, लिखिए भी, ताकि हमें पता चले कि हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं, सो दैट वी कैन हेल्प यू। ओनली ऑन ABP News, एवरी मॉर्निंग।
पानी जो हमारे किचन में हमें मिलती है उसका ज्योतिष के साथ क्या ताल्लुकात है और किस तरह से बदल सकती है हल्दी आपकी किस्मत और सेहत भी। सैंपलिंग के लिए हमारे को 5 दिन वेट करना पड़ता है। 1 मई से मैं चालू किया फिर भी नहीं मिला स्लॉट। 3 मई से जैसे रजिस्ट्रेशन किया हुआ लेकिन स्लॉट नहीं मिल पा रहा। लोगों में हो रहा है कि कहीं इंजेक्शन ले रहा है तो डेथ कर जा रहा है। कोई भी टीम यहाँ पर टेस्टिंग नहीं कराया यहाँ पर। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में दस्तक दी तो इसके दायरे में वो गांव भी आ गए जो अब तक अछूते थे। लोगों की जान बचाई जा सके इसलिए राज्य सरकारों ने शहरों में तो डॉक्टरों की सेना खड़ी कर दी, लेकिन अफसोस कि ग्रामीणों के हिस्से में स्वास्थ्य महकमे का बहुत कम हिस्सा आया। और ग्रामीण इलाकों की मौजूदा जमीनी हकीकत क्या है ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा, प्रकाश कुमार और मनोज वर्मा ने देश के 3 अलग अलग राज्यों के गांवों का हाल जाना और लोगों से पूछा कि आखिर वो सरकार की तैयारियों से कितना खुश हैं। सबसे पहले चलिए राजस्थान के सीकर के लोसल गांव, जिसे वीआईपी गांव के नाम से जानते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कई लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन कोरोना से जुड़ी तैयारियों की रिपोर्ट पूरी नेगेटिव है। मैं इस वक्त खड़ा हूं राजस्थान के सीकर जिले के छोटी लोसल के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। छोटी लोसल के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कोई आम गांव नहीं है बल्कि एक खास गांव है। खास गांव इसलिए क्योंकि देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का ससुराल इसी गांव से ताल्लुक है। मैं इस वक्त जिस स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ा हूं वो ये बताने के लिए काफी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान सरकार की चिकित्सा सुविधाएं कितनी कारगर हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ पर एक ANM कार्यरत थी, लेकिन पिछले दिनों उसे डेपुटेशन पर सीकर भेज दिया गया और ऐसे में तकरीबन 3,500 की आबादी वाले इस गांव में साधारण बुखार, सर्दी, जुकाम या छोटी मोटी बीमारी का इलाज करने के लिए भी कोई दवा देने वाला नहीं है। तो देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के ससुराल का हाल ऐसा है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि बाकी गांव वालों का क्या हाल होगा। और अब सुनिए सिस्टम की पोल खोलता सच। जिस दिन जैसे आज डेथ हुई है जिस परिवार की, अगर उसकी सैंपलिंग देना चाहते हैं तो उसकी सैंपलिंग लिए हमारे को 5 दिन वेट करना पड़ता है, फिर टीम आती है फिर लेके जाती है। 5 दिन लगते हैं तो कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर। कंटिन्यू पेशेंट को रख नहीं सकते, तो हमारे पास जो जितने अवेलेबल है उसको करके फिर उसको थोड़ा सेट करके हमारे को वापस भेजना ही पड़ेगा पेशेंट को। लोसल गांव देश के पश्चिमी छोर पर बसा है जहां स्वास्थ्य महकमा खुद बीमार है, लेकिन पूरब में बसे पटना के करीब छतना गांव का भी हाल बेहाल है। यहां लोग जागरूक हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन टीके का स्लॉट नहीं मिल रहा। वजह सरकारी सर्वर जो औंधे मुंह गिरा पड़ा है। हम इस वक्त पटना से दूर परसा बाजार के छतना गांव में है। पीपल के पेड़ के नीचे में बहुत सारे युवा आपको दिख जाएंगे जो कोशिश कर रहे हैं 18 साल से 44 साल तक के युवाओं को जो वैक्सीन लगना है उसके लिए स्लॉट अपनी बारी लाने के लिए। हर किसी के हाथ में आप मोबाइल फोन्स देख रहे हैं, एक जो है लैपटॉप लगा करके भी वो बैठे हुए हैं और रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश जारी है कई दिनों से, तो इन्हें क्या सफलता मिली है या नहीं आप ये बताइए कि कब से आप रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं और आपको क्या स्लॉट मिला है? रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ 28 अप्रैल से ही, जिस दिन से बोला गया था कि आज से होगा। फिर 1 मई से मैं चालू किया फिर भी नहीं मिला स्लॉट, शेड्यूल नहीं, कभी सर्वर बिजी आ रहा है। अभी भी घंटों घंटों से लगा हुआ हूँ फिर भी सर्वर बिजी आ रहा है। क्या कहता है? सर्वर बिजी आ रहा है, जब OTP आ जाता है उसके बाद जब शेड्यूल खोजते हैं तो उसमें 45+ वाला का दे रहा है, 18+ वाला का नहीं दे रहा है। गांव में संक्रमण तो तेजी से फैल ही रहा है, उसके साथ छतना गांव में अफवाह का संक्रमण भी चरम पर है। लोगों में डर है कि जब IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल जैसे लोग दोनों टीके लेने के बाद भी नहीं बचे तो क्या गारंटी है कि वो बच ही जाएंगे? लोग क्या सोच रहे हैं वैक्सीन के बारे में? संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। अफवाह तो लोगों में हो रहा है कि कहीं इंजेक्शन ले रहा है तो डेथ कर जा रहा है या कुछ हो रहा है, इसी तरह से अफवाह कुछ लोगों का फैला हुआ है, ये डर बना हुआ है और कुछ नहीं है। जिन गांवों की आबादी ज्यादा है वहां माना जा सकता है कि टेस्टिंग और टीके में वक्त लग रहा है, लेकिन 388 के करीब आबादी वाले चमोली के दुर्मी गांव के लोगों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं मयस्सर नहीं। उत्तराखंड के चमोली में खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस गांव का नाम है दुर्मी।
इस गांव की आबादी 388 की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में स्वास्थ्य की कोई ज़्यादा सुविधाएं मौजूद नहीं है। यही वजह है कि यहां के लोग इस कोरोना की महामारी में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहां के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इतनी बड़ी महामारी चल रही है कोरोना की, तो क्या कोई टेस्टिंग टीम यहाँ पर अभी तक इस गांव में पहुंची है टेस्ट करने के लिए? कोई भी टीम यहाँ पर टेस्टिंग नहीं कराया। यहाँ पर कुछ लोगों के जरूर सैंपल लिए गए हैं, 7-8 लोगों के लिए, तो उनका तो अभी तक रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है। और गांव में अभी थोड़ा भय का माहौल पैदा हो गया है। क्या डर का माहौल बना हुआ है कोरोना को लेकर के गाँव में? जी सर, डर तो है ही सभी लोगों को। तो चाहे पूरब हो या पश्चिम या फिर उत्तरी राज्यों के गाँव, कहीं हालात खराब हैं तो कहीं खराब होने की आशंका है। यहाँ कोरोना पहुँच चुका है लेकिन सरकारी अमला अब तक नहीं पहुँचा, इसलिए जरूरी है कि सरकार समय रहते ठोस नीति बनाए और संक्रमण से गाँव को भी बचाए, नहीं तो हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। तो गाँव में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, ये हमारे सहयोगी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के एक बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विधायक का आरोप है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनी ही नहीं जाती। ये राजगढ़ का कोविड वार्ड है, आईसीयू है, जिसमें इस तरह से पानी टपक रहा, हमारे मरीज परेशान हो रहे हैं, यहाँ कोई सुन भी नहीं रहा है। इस तरह ये नंबर एक वाले पलंग भी है, इनके पलंग भी पानी गिर रहा है, पीछे से दीवार के उधर सारा पूरा पानी में बैठे हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए किए जा रहे सरकारी इंतजामों का ये एक नमूना है। रायगढ़ जिला अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 80 लाख रुपए की कीमत से बना ये आईसीयू पहली ही बारिश में दम तोड़ गया। कोरोना से संक्रमित मरीजों के ऊपर पानी की धार किसी झरने जैसी बह रही थी और धीरे धीरे पूरे वार्ड में पानी भर गया। जानकारी में आया है कि आईसीयू में पानी टपक रहा है, मैंने अपने इंजीनियर को भेजा है, जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ और जैसी जानकारी मिलती है मैं आपको स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा कि क्या हुआ है। सुना आपने, जांच कराई जाएगी कि पानी कैसे टपका, क्यों टपका। अस्पताल के अधिकारियों को भले इसकी वजह नहीं पता, लेकिन एमपी की शिवराज सरकार के ही एक विधायक को इसकी वजह साफ पता है। कोविड पेशेंट्स के पलंग पे पानी गिर रहा था, दीवार के पीछे से पानी आ रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। और जब उन्होंने वीडियो बना के भेजा तो उन्होंने ये बताया कि साहब ये पानी गिर रहा है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। सवाल ये है कि जब सत्ता पक्ष के विधायक ही यूं खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी जा रही है, तो और किससे उम्मीद की जा सकती है। को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को कुछ लोग अलग ही तरीके से लड़ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और फिर खुद सोचिए ये हो क्या रहा है। दिल्ली में हवन किया जा रहा है और धुआं किया जा रहा है। मेरठ में शंखनाद और जयकारे के साथ गलियों में हवन का धुआं किया जा रहा है और चेन्नई में यज्ञ किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दक्षिण तक की ये तस्वीरें हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई की। चौंकिए मत, कोरोना से बचाव के लिए सरकार, वैज्ञानिक और डॉक्टर सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस नए हथियार से कोरोना को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। दिल्ली के द्वारका में कोरोना भगाने के लिए हवन पूजन का सहारा लिया जा रहा है, तो मेरठ में बीजेपी नेता वायुमंडल से वायरस खत्म करने के लिए हवन के धुएं के साथ गलियों में घूम रहे हैं। कोरोना वायरस पर वार के लिए हवन पूजा करवाने वाले इन लोगों की दलील भी सुन लीजिए। सामग्री की ध्वनि को वायुमंडल में फैलाया ताकि वायुमंडल का शुद्धिकरण हो, हानिकारक वायरस समाप्त हो, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़े। चारों तरफ जब धुआं फैलेगा तो जो वातावरण भी शुद्ध होगा और साथ में जो वायरस है, वायरस भी मरने के पूरे पूरे चांसेज हैं इससे। ये एक आयुर्वेदिक उपचार है। धर्म और आस्था अपनी जगह है, लेकिन महामारी के दौर में वैज्ञानिक आधार को नजरअंदाज करके इस तरह अंधविश्वास को बढ़ावा देना समझ से परे है। कभी कभी कुछ खबरें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, ये क्या तरीका हुआ कोरोना को भगाने का। खैर आगे बढ़ते हैं। देश की राजनीति में अब नया भूचाल आया है और इस बार विवाद हुआ है कथित टूलकिट को लेकर, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी जंग तेज हो गई है।
पिछले कई महीनों से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी अदावत संक्रमण के मुद्दे पर थी, लेकिन दोनों ही दलों में इस बार टूलकिट विवाद पर ठन गई है। मंगलवार को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था। संबित पात्रा ने इसे कांग्रेस का टूलकिट बताते हुए आरोप लगाया कि कोरोना काल में पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी और उनकी टीम ने ये टूलकिट तैयार किया है। किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है, वह इस टूलकिट से पूरा देश जान ले। आरोप लगाया गया कि इस कथित टूलकिट में ये कुंभ को कोरोना का सुपर स्प्रेडर बताने और ईद का जिक्र नहीं करने की बात कही गई है। बीजेपी की ओर से जारी इस कथित टूलकिट में दावा भी किया गया है कि संसद की नई इमारत को मोदी का घर कहकर प्रचारित किया जाए। आरोप बीजेपी की तरफ से आए थे, इसलिए कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी। कांग्रेस ने कथित टूलकिट को पहले बीजेपी का फर्जीवाड़ा करार दिया, फिर नौबत FIR तक की आ गई। सारा का सारा फर्जी डॉक्यूमेंट फोर्ज करके हमारे लेटर हेड पे क्रिएट किया हुआ है और इसमें FIR होगी नहीं, इसमें ऑलरेडी FIR हो चुकी है। टूलकिट का मतलब एक तरह के दस्तावेज से है जिसमें लिखी गई बातों को समर्थक फॉलो करते हैं। इसे सोशल मीडिया पर अपनी बात वायरल कराने के लिए तैयार किया जाता है। इसके जरिए सच झूठ लगने लगता है और झूठ सच की तरह। फिलहाल इस नई टूलकिट पर देश की राजनीति गर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बता देते हैं। अब बिहार के मुजफ्फरपुर से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी ने बहुत बड़ी लूट होने से बचा ली है। तो ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र की हैं, जहां बाइक सवार दो बदमाश कैश वैन लूटने की नियत से आए थे। बदमाशों ने आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक सुरक्षाकर्मी को गोली भी लगी है, लेकिन जल्दी ही सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद दोनों बदमाश वहां से भाग निकले। यहां आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन लगा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, फिर भी अपराधी बिहार में बेखौफ घूम रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा ये शख्स। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं इरफान जी का, मुझे लगता है उनका कार्टून कंप्लीट हो गया। सर देखिए, आप जैसे देख रहे हैं कि आपको देखकर लग रहा होगा कि ये कौन है, ये कोरोना है। उसके घर में जैसे ही गया, अंदर से जो आवाजें आईं उसको सुनते ही कोरोना उल्टा पैर जो है वापस आ गया है। और उस तरह से कंगना जी अपने आराम से घर के अंदर सुरक्षित हो। मतलब कंगना की बातें सुनकर कोरोना ने भी कहना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। बहुत ही खूबसूरत। तो देखिए, सीधी सीधी बात कार्टून के जरिए इरफान जी ने कर दी है। इसी तरीके से रोज इरफान जी का साथ नमस्ते भारत में होगा और इसी तरीके से कार्टून के जरिए वो अपनी बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। ABP News आपको रखे आगे।